नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज। आज हम मौजूद हैं 171 विधानसभा क्षेत्र जहां पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ड्रोमकशी के संकल्प पत्र में माननीय राजेंद्र गरुण इनको जो है यहां से विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं क्या क्या इनका मुद्दा है। और यहां पर जो ये पार्टी के लेवल देखा जाए तो लोग आज जहां पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो कई हजारों की संख्या में या गाड़ियों के साथ में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो पार्टी है खुद कैंडिडेट और 3 से 4 लोग प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कहना है इनसे बात करेंगे। सर खबरें आज भी में स्वागत है। सर किस आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं 171 में, पहला आप पूरा परिचय दीजिए। मेरा आपका पहला शुक्रिया अदा करूं क्या आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र गरुड़ विधानसभा 171 मानपुर शिवाजी नगर से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ये महाराष्ट्र में करीबन 45 सीट के ऊपर लड़ रही है। ये पीपल पार्टी ऑफ इंडिया है, ये जो पार्टी है पूरी देश में है, पूरे राज्य 18 राज्य में इनका काम चालू है। और जो साहब आपने जो सवाल पूछा है क्या हमारा जो कहना है व्यवस्था परिवर्तन करना, अभी व्यवस्था परिवर्तन से ही है सब कुछ। और भारत का संविधान घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे और लगातार 2017 से हम भारत का संविधान लगातार लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और रह गई जो मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या, तो राजनीति जो सत्ताधारी पार्टियां है जो सत्य में बैठी है उनको कहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या करीबन एक परिवार के लिए आप 500 स्क्वायर फीट का मकान देना चाहिए और उनका मान सम्मान, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं तो एक परिवार के लोगों के 6 सदस्य के लिए 500 स्क्वायर फीट का मकान देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। फिर भी कोई सरकार आज तक इनको कोई भी जो झोपड़ी में रहते हैं कोई 225 मगर इसका कोई भी अमल नहीं करते। और यहाँ विधानसभा क्षेत्र से मुझे लोग वोट करते हैं, मत देते हैं और मैं विधानसभा में चुनने जाता हूँ तो मैं ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का नारा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है क्या सरकार को दिया है कि 500 स्क्वायर फीट हर परिवार को देना चाहिए, मगर कोई भी सरकार नहीं देना चाहती है, मगर मैं ये आवाज बुलंद करूंगा, धन्यवाद। सर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो सर क्या लगता है कि आपको कितना समर्थन मिलेगा जनता का? फिर भी ये पार्टी 2017 से बनी है, लगातार चुनाव लड़ रही है, अब भारत के हर क्षेत्र में लोकसभा विधानसभा से लड़ चुकी है और लगातार ये पार्टी का जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात जो है अभी जो आपने बोला जो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ चुनाव में है फिर भी हम लोग इनसे टक्कर ले रहे हैं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। मैं हार भी गया हूँ तो मैं मर नहीं जाऊंगा इनसे, मैं मेरा काम चालू रहेगा और जो पार्टी ने मुझे जो आदेश दिया हो उसका मैं अमल करूंगा और पार्टी संविधान की का ऊपर ही चले गए, हमारा गाइडलाइन है, हमारा जाहिरनामा है, जो जाहिरनामा पार्टी ने 15 दिया है, जो 15 जो संकल्प पत्र है उन्होंने कहा है कि ये देश के हम लोग मूल निवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग है और 3% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं कर हम चुन के आते तो इनको हम साइड ट्रैक करेंगे। और दूसरी बात जो हर राज्य क्षेत्र में इन्होंने सरकारी स्कूल को निजीकरण किया है तो मैं चुन के आता हूँ तो ये विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है उनको मैं निजीकरण करने नहीं दूंगा। और जो भारत का संविधान में लिखा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा देना चाहिए, मगर कोई भी सरकार यह काम नहीं कर रही है तो मैं चाहता हूँ
ये जो संविधान ने दिया उसकी संविधान का 100% अमल करूंगा। और दूसरी बात जो है, जो निजीकरण हो रहा है सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्था जो निजीकरण हुआ है, उस भारत के संविधान ने कहा है जो निजी जो हेवी इंडस्ट्री का है वो भारत सरकार के हाथ में होना चाहिए, और वो होगा तो जो सरकारी कंपनियां भारत देश के हाथ में होगा तो यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, शिक्षा मिलेंगी, उनका विकास होगा और उनके साथ में देश का भी विकास होगा। अब क्या हो रहा है, अडानी अंबानी को सरकार कंपनियां बेच रही है, दो खरीद रहा है और दो बेच रहे हैं, जो खरीद रहा है दो बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट कंपनियां होने वाली है, जो प्रॉफिट सरकारी कंपनियां है, और जो सरकारी प्रॉफिट कंपनियां है वो प्रॉफिट जो है वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से अंबानी अदानी के घर पे जाएगा, तो देश का विकास नहीं हो सकता है, वो सरकार के कब्जे में रहेगा। जो प्रॉफिट मिला है, जो नफा मिला है, जो मुनाफा मिला है, वो देश को विकास के लिए हमें लगाना चाहिए। धन्यवाद जी। सर क्या जनता से अपील करेंगे, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप मुझे वो भारी मात्रा में वोट दबा वोट दीजिए, मैं आपका जरूर यहाँ विकास करूंगा। आप ये जो निजीकरण चल रहा है उसको मैं खत्म करूंगा, और हर कौम को जितने उनकी आबादी है उनकी आबादी के हिस्सेदारी करूंगा, उनको उतना भागीदारी सरकारी संस्था में देंगे, प्राइवेट संस्था में देंगे, स्कूल कॉलेज में उनकी एडमिशन देंगे आबादी के हिसाब से, और आबादी के हिसाब से जितने बच्चे लोग का एजुकेशन जितना बड़ा होगा उतना हम लोग उनकी नौकरी के प्रावधान करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यहाँ के जनता से अपील करूंगा, आप मुझे फलों का टोकरी और ईवीएम मशीन का 8 नंबर दबा के मुझे भारी मात्रा में आपका बहुमूल्य वोट दे के मुझे विजय बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राजेंद्र गरुड़ जी, उन्होंने पूरे सरकारी महकमे को जो आरोप लगाते हुए कहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही बात है, जो कंपनियां आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसको लेकर भारी चिंता का विषय। देखते रहिए खबरें आज भी।